तो दोस्तों आ गई है खबर सीधा इंग्लैंड से, यानी कि इंडिया ने घोषित कर दिया अपनी प्लेइंग 11 जो कि खेलने वाली है इंग्लैंड के खिलाफ, जो कि इंडिया अभी लेटेस्ट टेस्ट मैच हार चुकी है और सीरीज को बराबर बांटना पड़ गया 2-2 पॉइंट लेकर, जिसकी वजह से जो टेस्ट वर्ल्ड कप चल रहा है टीम इंडिया उसमें नीचे हो चुकी है और खिसक के आ चुकी है वो तीसरे पायदान पे। और इस टेस्ट मैच में उनको 2 पॉइंट की पेनल्टी भी लगी है जो कि स्लो ओवर रेट के कारण लगी है। तो ये सब पूरा होने के बाद अब उनका मेन फोकस होने वाला है इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में, जो कि इस सीरीज के लिए प्लेइंग 11 आ चुकी है और प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार है, जो कि रोहित शर्मा हो गए थे कोरोना पॉजिटिव और उनको नहीं मिल पाई थी टेस्ट मैच में जगह, तो इस वजह से T20 में वापसी कर चुके हैं और साथ ही साथ वापसी के साथ कप्तानी भी संभाल लिया अपने हाथों में। तो टीम के कप्तानी करते नजर आएंगे आपको रोहित शर्मा और उनके साथ ओपन करते नजर आएंगे आपको ईशान किशन, और ईशान किशन के बाद आपको दिखेंगे टीम में सूर्य कुमार यादव को। जी हाँ, सूर्य कुमार यादव को एक और बार टीम में शामिल किया गया है और ऋतुराज गायकवाड़ को रेस्ट दिया गया है। और चौथे नंबर पे आपको संजू सैमसन दिख सकते हैं, जो कि संजू सैमसन ने इतना बढ़िया खेल के दिखाया था आयरलैंड के खिलाफ और उन्हीं के साथ जो जोड़ी में खेल रहे थे जिन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है हाईएस्ट रन पार्टनरशिप का, वो है दीपक हुड्डा, तो उनको भी मौका दिया जाएगा। जो कि इन सभी प्लेयरों को मौका इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये एशिया कप का स्क्वाड तैयार करने में आसानी होगी और साथ ही साथ जो मेन फोकस है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप, उसके लिए भी स्क्वाड बनाने में बहुत आसानी होगी। तो इसके बाद आपको टीम में नजर आएंगे हार्दिक पांड्या, जो कि इस टीम से मेन दो प्लेयर यानी कि विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह दोनों को रेस्ट दे दिया गया है इस सीरीज के लिए, तो इसलिए हार्दिक पांड्या की जगह बन गई टीम में। और साथ ही साथ उनके साथ नजर आएंगे आपको दिनेश कार्तिक, जो कि दिनेश कार्तिक को एक फिनिशर के रूप में देखा जा रहा है पिछले कुछ सालों में, तो इसलिए उनको टीम में हर बार जगह दी जाती है ताकि वो फिनिशर का रोल में खड़े हो सके और साथ ही साथ एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप पे ध्यान दे सके। तो उसके बाद आपको टीम में दिखेंगे अक्षर पटेल, जो कि इकलौते एक लेफ्ट आर्म स्पिनर खेलने वाले हैं इस टीम के लिए। और फिर उसके बाद आपको हर्षल पटेल दिखेंगे, जो कि हर्षल पटेल को इतना मौका इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये एक उभरते सितारे हैं और T20 में इन्होंने अपना बखूबी प्रदर्शन करके दिखाया। और साथ ही साथ उसके बाद दिखेंगे आपको भुवनेश्वर कुमार, जो कि भुवनेश्वर कुमार सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस बॉलर है इस पूरी बॉलिंग स्क्वाड में, तो इसलिए उन पर सबसे ज़्यादा दारदार होगी और इंग्लैंड की टीम बहुत ज़्यादा मजबूत है जिसमें कि सामने जॉस बटलर और साथ ही साथ जॉनी बेस्टो जैसे खतरनाक बैट्समैन है, तो इसलिए इनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पावर प्ले में विकेट चटकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको आखिरी नंबर यानी कि 11वें नंबर पर दिख सकते हैं युजवेंद्र चहल, जो कि एक रिस्ट लेग स्पिनर सबसे ज़्यादा कारगर हुआ है पिछले कुछ सालों में, तो इसलिए इन पर ज़्यादा भरोसा किया जा रहा है एज ए फास्ट बॉलर की जगह पर। तो यही प्लेइंग 11 होने वाली है जो खेलने वाली है टीम इंग्लैंड, जो मजबूत टीम इंग्लैंड है उनके खिलाफ। तो आपको क्या लगता है इस प्लेइंग 11 में किसी भी प्लेयर की चेंज की ज़रूरत है या किस प्लेयर को जगह नहीं दी जानी चाहिए और किस प्लेयर को जगह दी जानी चाहिए? तो क्या इसका बॉलिंग लाइनअप आपको कमजोर दिख रहा है जो कि इतनी मजबूत टीम इंग्लैंड के खिलाफ खेलने वाली है? जो कि आप इन सभी क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और मैं उनका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आप हैं क्रिकेट के फैन, इंडिया के सच्चे फैन, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें और जानना चाहते हैं इंडिया से जुड़ी सारी लाइव अपडेट वीडियो, इंडिया के सभी प्लेयर से जुड़ी लाइव अपडेट वीडियो, आने वाली सीरीज से जुड़ी लाइव अपडेट वीडियोज, एशिया कप से जुड़ी और जो मेन है जिस पे फोकस है हमारा T20 वर्ल्ड कप, उनसे जुड़ी वीडियोस, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी दबा लें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, कीप प्लेइंग, प्ले हार्ड।